नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टुल्लू पंप कैसे रिपेयरिंग करने का है। तो आज आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं तो उसमें क्या खराबी है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक करके ऐसी लाइन से मैं चेक करता हूँ। अभी मोटर ठीक है, कॉइल मैंने अभी डायरेक्ट सप्लाई देगा। डायरेक्ट सप्लाई देने से मोटर नहीं घूम रहा है, मोटर में हूँ आवाज हो रहा है। हमको ये डब्बा खोल के देखना है, इसके अंदर कैपेसिटर रहता है, वो कैपेसिटर से ही है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, मैं खोल कर देखता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देखिए ये बस्ट हो गया, इसीलिए मोटर नहीं चल रहा है। तो हम इसको काट के दूसरा लगाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये फट गया है, बस्ट हो गया। ये है अभी 8 MFD का कैपेसिटर है। देखिए दोस्तों, 8 MFD का है। अभी मैं इसको नया लगाने का है, हमारे पास है, अभी लगाता हूँ। 8 MFD का, अभी इसको हम चेक कर देते हैं, लाइन जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद टेपिंग कर देता हूँ। अच्छा से टेपिंग करने का है। अभी इसको मैं अंदर डाल के फिटिंग कर देता हूँ। नाट लगा देता हूँ। अभी हम चेक कर रहे हैं मटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी सीरीज से मैं पहला चेक कर लिया, ऐसा बॉडी चेक कर लेने का, बॉडी हो गया होता है क्या, बॉडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए चेक कर लेने का। अभी हमारा मोटर बॉडी नहीं है, अभी मोटर सही है। अभी मेरे को डायरेक्ट सप्लाई देने के दे के देखने का है मोटर चल रहा है। अभी मैं देखता हूँ डायरेक्ट सप्लाई दे करके।
मोटर चल रहा है, आवाज हो रहा है। आपको दिखाने के लिए मैं पीछे से ढकना खोल के दिखाता हूँ, मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको अभी समझ में आएगा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप देखिएगा ये मोटर अभी घूमने लगेगा। देखिए दोस्त, अभी मोटर मेरा चालू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको बता देता हूँ एक कप कंडेंसर कैसे चेक करने का है, आपको सीरीज से पहले बताता हूँ। एटा शॉर्ट करने से फटेगा, देखिए ये अभी नहीं फट रहा है, मतलब वो खत्म हो गया। नहीं, ये अभी खत्म हो गया, अभी नहीं खराब हो गया, वो इसलिए नहीं हो रहा। अभी मैंने इसका ढक्कन लगा देता हूँ, हमारा मोटर रेडी। प्लीज़ दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगले चैनल देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।